हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट। ओके, आज हम देखेंगे कि क्या होता है। यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, हमें उनमें से किसी अपनी कंडीशन के अनुसार किसी एक स्टेटमेंट को चुनना है, तो उस समय हमें स्विच केस का उपयोग करना होता है। ओके, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनेगा, किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, क्या इसका सिंटैक्स होगा। नेसेसरी यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर इंडिविजुअल केस आर कंप्लीटेड। ओके, हमें ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज करना होगा। यदि हमने कोई कंडीशन लिखी हुई है और वो कंडीशन प्रूव हो जाती है, तो उस कंडीशन के तुरंत बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होगा, जिससे क्या होगा कि वो कंडीशन कंप्लीट होके वो वैल्यू प्रिंट होके डायरेक्ट स्विच केस से बाहर आ जाएगी। यदि हम वो नहीं लगाएंगे तो स्विच केस के सभी कंडीशंस रन होंगी। ओके, ये हम और आगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, आप सिंटैक्स देख सकते हैं, जहाँ हमने यहाँ स्विच एक कीवर्ड लिखा हुआ है और एक्सप्रेशन लिखी हुई है। आप वो समझेंगे प्रोग्राम में किस तरीके की एक्सप्रेशन लिखना है, या कोई वेरिएबल का नाम लिखना है, या हमें क्या लिखना है। ओके, और जहाँ हमने केस लिखा है एक्स, यहाँ हम कोई न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, केस वन से केस सेकंड, और जो कंडीशन एक्सप्रेशन से चेक होगी वो कंडीशन, वो वाला स्विच केस चल जाएगा। ओके, अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्रोग्राम। ओके, मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। डार्क, ओके, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारी स्क्रिप्ट चालू हुई है। तो हमने एक वेरिएबल लिया है ए, और जिसकी मैं वैल्यू असाइन करी 9, और स्विच केस में हमने ए एक्सप्रेशन डाल दी। ओके, अब यदि यहाँ स्विच केस चेक होगा, यदि केस में यदि कोई 9th केस होगा, जैसे यहाँ केस 1 लिखा होगा, वैल्यू इज ए इज 1। ओके, और सेकंड केस, थर्ड केस, ओके, और आप आगे भी देख सकते हैं, फोर्थ केस, फिफ्थ केस। अब फिफ्थ केस के बाद यहाँ नहीं है, जब हमारी चीज चेक होगी तो पता चलेगा कि जो वेरिएबल ए में जो वैल्यू असाइन की गई 9, वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस समय हमारा डिफॉल्ट केस चलेगा। ओके, डिफॉल्ट केस, और प्रिंट हो जाएगा अनडिफाइंड वैल्यू। ओके, हम यहाँ वैल्यू चेंजेस भी करके देखेंगे आगे प्रोग्राम में। ओके, तो हाँ, हमने जैसे केस फर्स्ट लिखा और उसमें हमें जो प्रिंट कराना है, हमने प्रिंट करवाया, उसके बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी होगा। यदि हम ये स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो इसके अगला स्टेटमेंट भी रन हो जाएगा। ओके, अब हम इसे नोटपैड में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोग्राम हमने ये लगाया है, वेरिएबल में वैल्यू रखी है 9, और जबकि हमने कोई केस में 9 रखा ही नहीं है अभी तक। ओके, सिर्फ 5 तक के केसेस लिखे हैं और बाकी हमें डिफॉल्ट लिख गया है। तो अब जो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए, वो होना चाहिए अनडिफाइंड वैल्यू। ओके, अब हम इसे सेव कर लेते हैं, और हम स्विच 1 नाम से हमने सेव किया था, उसे हम गूगल अकाउंट ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट होगा अनडिफाइंड वैल्यू। ओके, अब हम यहाँ वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। हमें 9 की जगह हम कर लेते हैं यहाँ पर 2, तो प्रिंट होना चाहिए वैल्यू ऑफ ए इज 2। ओके, अब हम इसे फिर से सेव कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसे सिर्फ रिफ्रेश कर लेते हैं, तो वैल्यू इज 2 प्रिंट हो गया। ओके, तो आप इस देख सकते हैं, आज हमने देखा कि किस तरीके से हमें स्विच केस का उपयोग करना होता है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम